तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन, कम बैक टू चैनल। स्वागत है मेरे प्यारी सी वीडियो में। आज हमारे पास है यामाहा R15 V4, जो कि है 2023 का लेटेस्ट मॉडल, जो कि हमको मिलने वाला है एक नए येलो अट्रैक्टिव कलर के अंदर, जो कि अभी जो रिलीज़ नहीं हुआ है वो जल्द ही, ये जो मॉडल है जल्दी ही रिलीज़ होने वाला है। इसका जो पूरा लुक रखा गया है वो V4 नॉर्मल बाइक के जैसे ही रखा गया है, पर जो इसके अंदर ABS नहीं है इस बाइक के अंदर, ये बाइक हमको सिर्फ ड्रम ब्रेकिंग के अंदर देखने को मिलने वाली है। इसके अंदर कोई भी ABS की सुविधा नहीं है, ना कि आगे के टायर में है और ना ही पीछे के टायर में है। दोनों ही ब्रेकों में नॉर्मल ब्रेकिंग का यूज़ किया गया है, और जिसका सोकर बीच में रखा गया है उसका कलर भी चेंज कर दिया गया है, इसको सिल्वर रखा गया है इस बाइक के अंदर। और आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जो एग्जॉस्ट वगैरह है वो अभी भी जो नॉर्मल जो आता है अपनी नॉर्मल के अंदर वही रखा गया है, और जिसके अंदर इंडिकेटर का यूज़ किया गया है वो भी नॉर्मल लाइट्स का यूज़ किया गया है। LED लैंप्स के अंदर तुमको आज भी इसके अंदर हैलोजन लैंप्स का यूज़ ही मिलेगा, LED इंडिकेटर तुमको आज भी नहीं मिलेंगे। और जैसे कि तुम देख पा रहे हो जो कि बॉडी है R15 की वो नॉर्मल R15 जैसी ही है, पर जो इसकी लुक है, जो इसकी बिल्कुल डिज़ाइन है, ये बिल्कुल नहीं है। और ये जो कलर है, इस कॉम्बिनेशन है, ये अब तक R15 के अंदर अपन को कभी भी देखने को ना मिला है। तो ये जो इसके अंदर है, ये कलर जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर है, नया कलर है, R15 के अंदर देखने को मिलेगा। और इसका लॉकिंग सिस्टम है वो भी थोड़ा चेंज कर दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके लॉक्स वगैरह को चेंज कर दिया गया है। बट जो इसकी डिस्प्ले है वो नॉर्मली रखी गई है, जो कि V3 के अंदर ही आती है। बाकी जो इसकी डिज़ाइन वगैरह है सिर्फ वही नहीं है, कलर वगैरह नया है। बाकी जो बॉडी के जो पूरे डिज़ाइन है वो आज भी वही पुराना रखा गया है, बट जो इसके टायर, पीछे का टायर की विड्थ है उसको बड़ा करा गया है, जो अपने आगे का टायर है उसको भी, उसकी साइज़ को भी बड़ा करा गया है। और जो इसका इंजन है वो अभी भी 155 सीसी का ही है, जो 14.8 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 8000 RPM। और आप देख पा रहे हैं जो इसकी सीट है वो अभी भी इसके अंदर स्प्लिट सीट दी गई है, जो कि जो डिग्गी होती है इस बाइक की वो पिछली सीट के नीचे होती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो इसके अंदर आपको मिलने वाली है स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ में मिलने वाली है R15 V4, और जो इसके अंदर मतलब कि अपने फ़ोन से कनेक्ट हो जाती है ये बाइक। उसके बाद में अपन इसका जो नेविगेशन है वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं इस बाइक के अंदर। और आप जो देख पा रहे हैं इसके पीछे की लुक वगैरह है वो नॉर्मल बाइक की जैसी रखी गई है जो R15 आती है, बट जो इसका कलर है वो इसका इतना अच्छा अट्रैक्टिव कलर रखा गया है कि कोई भी अगर इसको एक बार में देखे तो किसी को भी ये बाइक पसंद आ जाए। जो कि इसका येलो कलर रखा गया है, ऐसा नहीं है कि येलो कलर अच्छा नहीं लग रहा, बट जो इसका येलो कलर है बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो होप करता हूं मैं आपको जो वीडियो की अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक करना है और गाइस चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलते हैं कोई प्यारे से वीडियो में, तो बाय बाय।